Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली। सिर्फ मैं लड़ती हूँ तुमसे, तुम मुझे कुछ नहीं कहते। ये कहने का मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि मामा फिर से। मामा मनने नहीं है। बेटा ऐसे नहीं बोलते। मैं अक्सर उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ हम मिला करते थे, वो नहीं आती। मैं कोशिश करूँ आपकी उनसे बात कराने की। दोनों को मैंने वैन रखवा दी ना, तो दिमाग खाने पे आ जाएगा तुम दोनों का। लगा दे हमें आना भी नहीं आपके साथ। आप क्या ये बोल रहे हैं? जब देखो हरीम हरीम हरीम, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे ज्यादा शादी में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ उसी की पड़ी है ना, तो फिर ठीक है जाएं उसके पास। मामा अब वापस आ जाए ना। ये क्या लिखती रहती हैं आप रात भर, क्या फायदा इसका? बेटा हिसाब किताब हमेशा बराबर रखना चाहिए, इंसानों के बीच में भी और पैसों में भी। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है ना, मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं। बैठे बैठे बहुत मारा जालिमों ने। जी हाँ, काफी मारा आपके जालिम भाइयों ने मुझे। तुम कितने आराम से झूठ बोल लेती हो। मैंने कब झूठ बोला? अच्छा किसने कहा था दिस इज माई हस्बैंड? दर्द हो रहा है, एक काम करें आप लेटे, मैं आपका सर दबा दूं। नहीं नहीं लेटे नहीं, ज्यादा नखरे ना करें। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसे मैंने कहा था रहने दो, ऐसे दबाने लग गई। चलो चलो लेटो। नहीं 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 पप्पो ठीक हो जाएगा, ऐसी तकलीफ की जरूरत नहीं है। शाबाश लेटो, चलो मैं दबाती हूं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे? मैं साहिमा बात कर रही हूँ। मैं तो शीबा ने निकाल दिया था, आप फोन क्यों कर रही? साहब जी यकीन करें मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी हरीम की पूरी कहानी सुनाने की उन्हें? और तुम्हारी इस एक गलती की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ कर चली गई। यकीन करें साहब जी, मैंने हरीम बीबी के बारे में दादी को कुछ नहीं बताया। मैं तो आपके सामने रात को जा चुकी थी, जब मैं सुबह नाश्ता उनके लिए लेकर आई तो उनकी फौत की हो चुकी थी।
होगा कि आप कैमरे में भी देख सकते हैं। क्या? जमाल बेटे, बेटा सुना, जमाल बेटा, दादी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। दादी क्या हो गया, इतना क्यों चीख रही हो? अम्मा चलो इन्हें सीधा करते हैं। हमसे नहीं होगा, मैं साहब को बुलाती हूँ। नहीं नहीं उन्हें मत बुलाओ, उनको इस हाल में देखेंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे। आओ पकड़ो इन्हें। ठीक है, कबाब चेक करें। कैसा है? नाइस। तुमने बनाया? हाँ, आपके लिए स्पेशली बनाया। ओह थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं सोच रहा था अशर को कॉल करूं, समझ नहीं आ रही क्या बात करूंगा। यही कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप कैसे हैं, भाभी और बच्चे कैसे हैं वगैरह वगैरह। पता है मैं ना यहाँ पर अम्मी से छुप के आई हूँ। क्यों? देखो ये सही बात नहीं है, तुम अभी यहाँ से फौरन से जाओ, अहमी फूफो को गलत फहमी होगी। तो होने दे गलत फहमी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है ना, पहले ही खानदान वालों ने मुझे तालाब की गंदी मछली समझा हुआ है। तो वो समझ रहे हैं ना, मैं तो नहीं समझती। तुम समझो या ना समझो, मैंने जो किया वो गलत है। उफ, तौबा है, अब फिर से शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आती कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आइडिया, मैं भी आती हूँ। समर और नाइल ये क्या है? 3 out of 20? आप दोनों तो 20 में से 20 लाने वाले बच्चे थे। देखा था प्रिंसिपल ने कितनी शिकायतें लगाई आप दोनों की। अशर दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, क्या किया बच्चों ने? क्यों ऐसा कर रहे हो दोनों, सिर्फ बाबा को तंग करने के लिए? शर्म आनी चाहिए, चाहे कि बाबा की हेल्प करो, आप दोनों और मुश्किलें पैदा किए जा रहे हो। तुमने अपनी यूनिफॉर्म का हाल देखा था स्कूल में, इस तरह रहते थे मामा के साथ, अभी वो घर आ जाए तो कैसा लगेगा उनको? वो नहीं आएंगी। तुम्हीं से बात करो नाइल, क्या हो गया तुम्हें? अशर खाना तो खा लो बेटा। आप जाएं यहां से, आपकी अम्मी आपको बुला रही है। मेरी अम्मी? मेरी अम्मी तुम्हारी दादी लगती है? ठीक हो जाओ तुम, मैं बता रहा हूं। चलो दोनों खाने के लिए। मुझे नहीं खाना। तुम भी शुरू हो गई, चलो। हमें नहीं खाना। देखो मैं बहुत परेशान हूं, मैं पिटाई लगा दूंगा दोनों की। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ये दोनों तो रोज यही करते हैं। छोड़ दो तुम इन्हें, तुम तो आ जाओ, तुम्हारे अब्बा को भी भूख लग रही है। ठीक है दोनों आज भूखे बैठो, दिखाओ ये कॉपी, दिखाओ। और जब तक अपना ये काम पूरा नहीं करोगे और 10-10 पेजेस इसके लिखोगे। अशर आता हूं अम्मी। अल्लाह अम्मा,
हम नहीं लिख रहे कुछ भी। नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, तुम्हारी सारी गेम्स बंद है और जब तक नहीं लिखोगे ना भूखे बैठे रहना यार। क्या पहन के आ गई हो? जाओ चेंज करके आओ। क्यों? देखी तो सही, इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही हो। मेरी खैर है, फूफो ने देख लिया, तुम्हारा दिमाग सेट कर देंगी। आपको तो बस उन्हीं की पड़ी रहती है। नहीं तो क्या करूं, तुम्हें अपने साथ बदनाम कर दूं। हाँ कर दे। पागल होगी हो, जाओ चेंज करके आओ। अरसल जाओ। क्या कर रहे हो? चाचू का नंबर ढूंढ रहा हूँ। तुम चाचू को कॉल करोगे? हाँ, इनसे कहूंगा कि हमें आके ले जाएं। वो बाबा को बता देंगे। मैं इनसे प्रॉमिस लूंगा कि किसी को ना कहें। वो फिर भी बाबा को बता देंगे और फिर हमें दादी के घर जाना पड़ेगा। फिर किससे बोले? हेलो हेलो, मैं नायल बोल रहा हूँ। नायल बेटा, सब खैरियत? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? समर कैसी है? वो भी ठीक है। आप यहाँ आ सकती हैं? मैं कहाँ आ सकती हूँ? बेटा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? घर पे, हमें आपसे मिलना है। मुझसे मिलना है? क्यों? हमें आपके साथ जाना है। कहाँ जाना है बेटा? आपके घर। आप मेरे घर कैसे आ सकते हो? मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, आप लोग कराची में हैं। क्यों, हम नहीं आ सकते? बेटा मैं अब घर पे नहीं रहती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। आप बताएं आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ होटल में रह लेंगे। होटल नहीं बेटा, हॉस्टल, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं और समर भी स्टूडेंट ही हैं। अच्छा नायल, आप मुझे अपनी मम्मी डैडी से बात कराओ। नायल, समर, दादा बुला रहे हैं बेटा। दादा। हेलो नायल, हेलो। अच्छा हुआ जो सजा मिल गई तुम दोनों को, बहुत बदतमीज हो गए तुम लोग। पहले से सख्ती की होती ना तब तक ठीक हो चुके होते। चलो अब निकालो, निकालो और लिखना शुरू करो काम। मैं अभी आके चेक कराऊं कि उन्होंने। चलो मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पिटा हुआ जुमला है। सच भी है, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी और हरीम की कहानी खत्म हो चुकी है। दी एंड, खलास।
आपको शायद पता नहीं है लेकिन उसने दोबारा एडमिशन ले लिया है। तुम्हें कैसे पता? आजकल सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपा हुआ मिस्टर, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, बेहतर होगा कि आप भी उसे भूल जाएं। कैसे इतने आराम से भूल जाऊं? टाइम चाहिए मुझे। पर मुझे आपकी दोस्ती देंगे? लेकिन सिर्फ दोस्ती। और एक स्माइल, स्माइल तो दे सकते हैं ना? दादी सोए नहीं? जी बेटा नींद नहीं आ रही थी। आपके लिए कुछ लाऊं? पानी, दूध? नहीं शुक्रिया। आपकी कल फ्लाइट है? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान खत्म हो रहा है और एक शुरू। बहुत दिनों से मुझे परेशान लग रहे हैं दादी, बहुत याद आती। गिल्ट है बेटा, बहुत गिल्ट। नहीं दादी, यू शुडंट फील गिल्टी। आपने तो हमेशा दादू के लिए इतना कुछ किया है। कुछ नहीं किया बेटा, कुछ भी तो नहीं किया। वो मेरे पास होती थी बेटा, यहां पर मेरे घर में, और मैं बेटा जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। कब कहां कितना वजन डालना है कितना नहीं डालना ये पता होना चाहिए। अगर बैलेंस आउट हो जाए तो इंसान गिर जाता है, कहीं का नहीं रहता। आप अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखते, उनके लिए नहीं अपने लिए। बेटा माँ माँ होती जैसी भी। पर डैडी आप उनका ख्याल रखेंगे ना, मैं तो यहां नहीं होंगी। व्हाट्स रॉन्ग डैडी? बेटा आप माशाल्लाह बड़ी हो गई, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला खुद किया है, मुझे फख्र है आप पे। और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में जो भी चेंजेस आएंगी उन्हें बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगी। आप कौन सी चेंजेस की बात कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई या कुछ और? मैं जनरल बात कर रहा हूं बेटा। जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन मुझसे और आपकी मम्मी से जो आपका रिश्ता है वो कभी चेंज नहीं होगा। मेरे और आपकी मम्मी के दिल में जो आपके लिए प्यार है वो हमेशा कायम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा इसलिए कि शायद दोबारा मौका मिले ना मिले। क्या मतलब मौका नहीं मिले, मैं यूनिवर्सिटी तो जा रही हूँ, मैं तो आती रहूंगी, आप लोग भी तो मुझे विजिट करेंगे ना? इंशाल्लाह। बेटा आपकी मम्मी आपके लिए वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मशवरे देती है, और मुझे यकीन है कि आप उनकी बातों पे अमल करके अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे। बस दूसरों को नहीं भूलेंगे। और हाँ मेरे साथ एक वादा कीजिए,
कि आप सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। जी मैं वादा करती हूँ, पर आप तो फिर ठीक, अब आप जाएं, जाके सो जाएं, कल आपकी फ्लाइट भी। ठीक है, आप भी सो जाए ना दादी। सो जाऊंगा बेटा, सो जाओ। शब खैर। अब जाओ। चलो बच्चों, तुम लोगों कार में छोड़ देते। अरे जाने दो ना भाई, दूसरे बच्चे भी तो जाते हैं ना भाई। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से पहुंचाना है। शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई बच्चों को मजबूत बनाओ, वो भी तो आखिर जाते ही थे ना। बाप की बात डिफरेंट है। ये बात डिफरेंट नहीं है, तुम लोगों के जहन डिफरेंट हो गए हैं बस। चलो अब जाओ दफ्तर, और इनके लिए परेशान ना होना, ठीक हो जाएंगे दोनों। जाओ शब, जाओ। तुमने मैसेज किया था? हाँ, खैरियत पूछनी थी। कैसे हैं सब? और तुम? सब सही है यार। बच्चे? बच्चे भी ठीक है। नेहा कैसी है? पता नहीं, काफी दिन हुए ज्ञान नहीं मिला। क्यों? बस यार टाइम ही नहीं मिलता। कौन देख रहा है उन्हें? वो ही नर्सेस वगैरह। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ठीक होने के चांसेस कितने हैं? मशीनों पे कब तक रखेंगे? क्या पता यार, डॉक्टर्स की मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। तुमने बड़ी जल्दी उम्मीद हार ली है यार। बस यार बहुत थक गया हूँ। अम्मी अब्बा की फिक्र, बच्चों की फिक्र, नौकरी की फिक्र। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बस ठीक, बाकी मेरे साथ ठीक नहीं है। हाँ यार, मुझे भी बहुत गिल्टी फील होता है तुम्हारे बारे में। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने नेहा को डिवोर्स दे दी थी ना? नहीं यार, नहीं दी थी डिवोर्स। हमारे जाने के बाद गलती का एहसास हुआ, एहसास हुआ तो ये सब हो गया। क्या करो? सुनो, तुम्हें जाते रहना चाहिए उनके पास। देखा नहीं जाता यार उसे, यकीन नहीं आता कि वही नया जो मुझे पागल कर देती थी बोल बोल के, मेरे से लड़ लड़ के। लेकिन यार अब मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ उलट पुलट हो गया उसके जाने के बाद। हेलो, रूम चेंज करना पड़ेगा। क्यों, पहले तो नहीं बताया आप लोगों ने? तो कोई आता तो बताते। पैसे मिल रहे थे ना टाइम पे आप लोगों, तो फिर बताया क्यों नहीं? तुम एक्सीडेंट से भी पहले ऐसा ही था, पैसे टाइम पे दे दिए, काफी है क्या? वो कोई प्रोग्रेस हुई है उसकी? नो। क्या करेगा बाहर जाकर? अपने फोन पर बात करेगा, उसको देखकर सैड होगा, या फिर गॉड से गिला करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? Excuse me. आप लोग अपने अटेंडेंट से इसी तरीके से बात करते हैं? अटेंडेंट, अटेंडेंट से अच्छी तरह बात करता है। हम उसका नर्स है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मैं नहीं चाहती कि आप उनसे जाकर मिलो। आपकी तबीयत ठीक है? चल, लग रहा है आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। और जो हम आपके वास्ते झूठ बोलता है रोज? किससे? आपका वाइफ से, और किससे? वो तो कोमा में है।
वो ठीक हो रही है? नो, वो कोमा में ही है, बट वो इस तरह ठीक नहीं हो सकता। अजीब बातें किए जा रही हैं आप। कभी कहती कि वो कोमा में, कभी कहती मैं उससे बात कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। तो जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे आपकी शिकायत लगानी पड़ेगी। और जो आपका वाइफ रोज मुझसे आपका शिकायत करता है उसका क्या है? व्हाट? मुझे लगता है आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया। थोड़ा सुकून करें, रेस्ट की जरूरत है आपको। ये क्या कर रही हो तुम? मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। तुम क्यों कर रही हो? मासी से कह देती वो कर देती। वो अच्छा नहीं करती ना। अच्छा मैं आप यहाँ। परीक्षा बिल्कुल ही पागल हो गई ये लड़की। कैसी है इसकी चोट? लगता ठीक हो गई है ना? दिखाओ बेटा। हाँ फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं अम्मी अभी कहाँ ठीक हुई है। आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हैं ना, कहते हैं बस इन्हीं की बात मानी जाए। और ये मेरी डबल जिम्मेदारी है। लाओ दिखाओ तुम। देखो फर्स्ट क्लास है, देखो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं आप? घर। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते आप। बेटा इसे काम होगा इसीलिए जाने का कह रहा है। अच्छा जी खुदा हाफिज़। मैं इनको रोक के ना, अर्सल अभी रुक जाए कुछ दिन। आराम से बेशा। बेटा जाने के लिए आया था, यहाँ रहने के लिए नहीं। चलो बेटा मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा। नहीं जी थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जाओ दरवाजे तक छोड़ो उसे। अम्मी मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करी, बिल्कुल बात नहीं करी। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी अबू के घर वापस। वरीषा वरीषा मेरी बात सुनो बेटा। वरीषा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? हमने बोला था ना कि वो आएगा और वो आ गया। पर ही इज लुकिंग गुड, पर तुम्हारे बगैर वो थोड़ा ओल्ड सा लग रहा है। आज तो संडे है, वो फिर भी ऑफिस जा रहा है। उसको तो बच्चा लोग के पास होना चाहिए ना। तुम्हारा हस्बैंड हमको पागल समझता है। उसको क्या मालूम कि तुम सब समझता है, सब सुनता है। तुमको पता चल जाता है जब वो तुम्हारे पास आता है, और तब भी तुम्हें पता चल जाता है जब वो सैड होता है। क्या कर रही है आप? मजाक? दिस इज नॉट अ जोक। ये जोक नहीं, तुम्हारा वाइफ है। लुक इस बेड पे लेटा कितना प्यारा लग रहा है। इसको तुम्हारा लव और अटेंशन का जरूरत है हमेशा की तरह। क्या इसने कभी तुम्हारा बुरे वक्त में हिम्मत बढ़ाया है? तो फिर यही वक्त है इसका साथ देने का। इट इज योर टाइम नाउ। लेकिन तो सुन भी नहीं सकती, कोमा में है। मरा नहीं है, जिंदा है ये। और अगर सुन नहीं सकता तो कोई बात नहीं, बट अगर सुन सकता है तो? और अगर इसने तुम्हारा लहजे की थकावट और बेजारी महसूस किया तो? और अगर तुम इसको जिंदा में शुमार नहीं करते तो फिर इस वेंटिलेटर पे क्यों रखा है? सब हटा दो, क्यों अजियत में रखा है इसको? खत्म कर दो इसका मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। पहुंच गए आप? जी। रूम कैसा?
रूम तो ठीक है, घर के बेडरूम की याद आ गई। अगले 5 साल तक इसी हॉस्टल में रहना है आपको, इसके बाद आप सब कुछ भूल जाएंगी। मम्मी आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हैं? कोई मदर ऐसी नहीं होती। नर्म पड़ी थी ना, याद है क्या हुआ था? आखिर में वो ही सही हुआ ना जो मैंने कहा था। अच्छा छोड़े ये सब बातें, मैं भूल जाना चाहती हूँ। इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि हमेशा अपनी गलती को याद रखें और इसे कभी ना दोहराएं। जी मम्मी, खुदा हाफिज़। परीक्षा बेटा, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह नाराज हो जाती। आप भी तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। मैं बड़ी हो गई। बच्चे ऐसी बातें करते हैं, कभी किसी बड़े को कहते सुना है कि मैं बड़ी हो गई? अम्मी अब तो अरसल की मंगनी भी टूट गई है, अब क्या प्रॉब्लम है? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीफ घरानों की लड़कियों को सूट नहीं करता छुप छुपा के मिलना। अच्छा सुनो, तुम्हें पसंद है ना वो, मुझे बताओ, मैं बात करूंगी अपने भाई से भी और तुम्हारे अबू से भी बात कर लूंगी। बात ही तो नहीं कर सकते। क्यों, बात क्यों नहीं कर सकते? बस बस क्या, बताओ मुझे क्यों नहीं बात कर सकते? वो मना कर देंगे। हैं, है मना कर देंगे? तो फिर तुम क्यों मिलना चाहती हो उससे? वो कहते हैं कि अगर शादी ही करनी होती तो हरीम से कर लेता, वो भी शादी नहीं करना चाहता अभी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कब करेगा वो शादी? मुझे नहीं पता, जब हरीम को भुला देंगे तब शायद। अच्छा, और अगर वो हरीम को ना भूल पाया तो तुम इसी तरह मिलती रहोगी उससे? बेवकूफ समझा उसने तुम्हें? तुम थोड़ी कहते मुझसे मिलने को, मैं कहती हूँ मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। मियां ने मुझे सेकंड चांस दी है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। मैंने आपसे इज्जत मांगी भी नहीं है, और अगर आपने मुझे रोका ना तो बस। बदतमीजी मत करो वरीशा, मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी। आप नहीं बता सकते, वरना खुद आप ही शामत आ जाएगी। प्लीज अम्मी मान जाए, वो बहुत परेशान है हरीम के बगैर, हर वक्त खुद को बुरा भला कहते रहते हैं। कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उनको तो कोई देखने वाला भी नहीं है घर पे। मैं प्लीज, आप तो बड़ा कहती थी कि वो आपके बेटे की तरह, माएँ ऐसी होती हैं। मैं तुम्हारी भी माँ, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है वरीशा। कलकना को कुछ हो गया तो तुम्हारे अब्बू क्या कहेंगे? आपको सिर्फ अब्बू का डर है और तो कोई बात नहीं है ना, आप मुझे मिल लेने दें, मना ना करें प्लीज अम्मी। कहीं नहीं मिल रहे मोजे, घर के थे, धुलवाए थे। अब क्या सारे एक साथ धुलवा लिए थे जो एक साथ गायब हो गए? मुझे नहीं पता, मैंने तो सही जगह पे रखे थे। अच्छा सही जगह पे रखे थे, मिल ही नहीं रहे। ओके बच्चों, ओके अम्मी बाप मैं जा रहा हूँ। मियां जी सुनो, मोजे ढूंढवाते जाओ, मिल नहीं रहे। अब मुझे जल्दी है, आप इन दोनों से कहना मिलकर ढूंढेंगे आपके साथ। अरे ये दोनों कैसे ढूंढेंगे, सुबह से हम दोनों ढूंढ रहे, हमें तो मिले नहीं है, पूरी की पूरी बास्केट गायब है। बास्केट गायब है? हाँ। बास्केट कैसे गायब हो सकती है? तुम दोनों ने तो नहीं छुपाई? नहीं तो। अच्छा देखो, शरारतें मत करो और दादा दादी की हेल्प करो बास्केट ढूंढने में। चलो अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरे फरीद, ये सामान किसका है? मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा गया। मतलब? I'm moving out. मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये मजाक है आपका? मैं सीरियस, मैं वाकई यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अभी इस ड्रामे के मूड में नहीं हूँ। आप फरीद से कह के ही सामान वापस रखवा दें।
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए घर की चाबियां और बैंक अकाउंट तो आपने पहले ही अलग रखा है। क्या हो गया है आपको? मैं कल आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मुझे जो हुआ है आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या मतलब है आपका कि मैं नहीं समझूंगी? आप मेरी जहानत की इंसल्ट कर रहे हैं। मेरी इतनी मजाल कहां? आप तो माशाल्लाह इतनी ज़हीन हैं कि एक बेसिक बात आपकी समझ में नहीं आ सकी। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। क्या बका? शिपा, मैंने आपकी हमेशा इज्जत की, बेपनाह चाहा है, आपकी हर बात मानता चला गया, कभी कोई एतराज नहीं किया, तमाशा बना रहा मैं दुनिया के आगे, लेकिन आप, क्या किया आपने? इतनी तमीज बांधने की जरूरत नहीं, असल बात बताएं क्या है। अब आप इसरार कर रही हैं, तो आइए मेरे साथ, आइए। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली।